हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास टेंथ के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेजिस्टिविटी। यस, एक नया टॉपिक, एक नया वर्ड जो आपको बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है आपके मार्क्स गेनिंग में। तो आज की वीडियो आप सबने पूरी देखनी है, चैनल को लाइक करना है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालना है, और साथ ही साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेगा। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, आज बात करेंगे रजिस्टिविटी की। नाम है ये एक नया, आप कहोगे ये तो कुछ एक सुना सुना सा है। कैसे सुना है? लास्ट टाइम हमने बात की थी रेजिस्टेंस की, याद है सबको? रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जो फ्लो ऑफ करंट को रोक रही थी। याद आ गया सबको? जो भी फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा था उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? रेजिस्टेंस। याद आ गया सबको? रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर रहे थे किससे? आर से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन थिंग आई थी कि रेजिस्टेंस जो है वो कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक फर्स्ट फैक्टर था मेरा लेंथ, सेकंड फैक्टर था मेरा एरिया, थर्ड फैक्टर था मेरा नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड फोर्थ वन हमारे पास क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हमारे पास कुछ एक कहते हैं ना कंडीशन लग जाती है, टीएनसी अप्लाई, तो उसके लिए हम लोग जनरल में नहीं लेते। तो जनरली हमारे पास क्या आया? हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, ठीक है, जो भी आप कंडक्टर लेके चल रहे हो उसकी लेंथ पे। दूसरी बात आई, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, वो आई बटन को क्लिक करो और आपको दिख जाएगा सब कुछ। अब क्या कर रहे हैं हम नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो जिसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। तो क्या बोला हमारे पास, जब हम इसको इकट्ठा कर देंगे क्या आ जाएगा? L by A, resistance is directly proportional to L by A, where L is the length and A is the area. Clear इतनी बार? अब क्या बोला हमारे पास? Is directly proportional. हमें यहाँ तक हमारे पास अगर हम साइंस की बात करें तो enough है कि हाँ भाई ये लेंथ पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, भाई लेंथ बड़ी तो रेजिस्टेंस भी बड़ा, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हो गया। बट अगर आपको कहे इसे मैथमेटिकली बताइए कि कौन क्या कैसे फैक्टर हो रहा है, कोई फॉर्मूला बनाइए, तो हम कभी भी प्रोपोर्शनल में फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए? इक्वल्स। फॉर्मूला बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? इक्वल। और इक्वल कब आता है अगर हम बात करें तो जब भी प्रोपोर्शनल हो और हमें किसमें चेंज करना हो इक्वल में, वी हैव टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनल इनटू इक्वल्स। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमारी फिजिकल क्वांटिटी को, एल बाय ए। ये हमारे पास क्या हो जाती है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया कि आर जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है? कॉन्स्टेंट इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया। अब क्या बात आई हमारे पास? जिसको आप ये कॉन्स्टेंट बोल रहे हो, ठीक है, इसी कॉन्स्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या है हमारे पास? रेजिस्टिविटी। क्या नाम दे रहे हैं हम उसको? रेजिस्टिविटी। तो आर आपके पास क्या आ गया? आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को नाम दे दिया रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं इस एस। अब आप कहोगे तो पी है? नहीं, ये पी नहीं है, ये क्या है आपके पास? इसको बना लीजिए साथ साथ एस बना लिए सबने। कैसे करना है आपने? इसे करना है जैसे आप पी बनाते हो, देन एस करते हो। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और अब एक सिंबल है ये, है ना भाई? तो सिंबल को हम क्या नाम देते हैं? रो। अरे रोना नहीं है, इसका नाम है सिर्फ रो, ठीक है। रो क्या है आपके पास? रेजिस्टिविटी। याद रखना है रोने से रेजिस्टिविटी। तो आर आपके पास क्या आ गया? रो एल बाय ई। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास रेजिस्टेंस का, और वहीं से हमारे पास जो हम कह रहे थे कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रेजिस्टिविटी है, उसकी स्टार्टिंग आ गई कि एक कॉन्स्टेंट जो रेजिस्टेंस के नाम पर आया उस कॉन्स्टेंट को हमने नाम दे दिया रेजिस्टिविटी। क्लियर है इतना? इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले आप। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया रो एल बाय ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। रो हमारे पास क्या है?
रेजिस्टिविटी। इसी रेजिस्टिविटी को हमने एक नाम दे दिया और वो क्या नाम दे दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस, रेजिस्टिविटी को ही हम एक दूसरा नाम क्या दे देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भाई इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं तो हर चीज घुमा फिरा कर किस में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको आप और क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी कहेंगे तो भी बढ़िया है, बट अगर कोई कह दे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बताइए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आप बहुत द सेम थे। तो क्या आया हमारे पास, इसका दूसरा नाम पता चल गया हमें, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, आर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, रो एल बाय, यही है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, आर का फॉर्मूला है मेरे पास रो एल बाय, आई हैव टू डिफाइन द रो, मुझे डिफाइन किसको करना है, रो को। तो रो को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास किस भी अंदर है, डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर ए ये अपॉन में, ऐसा ही करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट, एक नई वर्ड आ गया, रेजिस्टिविटी। क्या नाम आ गया, रेजिस्टिविटी, या फिर इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है नाम, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है इसका फॉर्मूला, रो इक्वल्स टू आर ई बाय एल, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, A is the cross-section area and L is the length. और resistivity या specific resistance खुद क्या है, एक constant quantity है। अब आपको इसे define करना है, तो इसको define करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक conductor ले रहे हैं, ठीक है, we have to take a conductor. Conductor का जो area होगा वो कितना होगा, अगर 1 meter square, कंडक्टर का एरिया 1 meter square एंड लेंथ हमारे पास अगर हो जाती है 1 meter, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। अगर आपकी लेंथ हो जाए 1 meter, एरिया हो जाए 1 meter square, तो आपका जो ये रो है, आपका रेजिस्टिविटी है, आपको रुलाने वाला है, वो क्या बन जाएगा, आर के इक्वल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, किसी को भी डिफाइन करना है तो वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, हम कह देंगे रेजिस्टेंस के, या इज इक्वल्स टू भी आप कह सकते हो, क्योंकि आप इक्वल्स टू कहानी पे चल रहे हो, तो इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर क्या था, रेजिस्टेंस, तो इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इफ कंडीशन लगानी है, बिना कंडीशन लगाए रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कभी भी नहीं है, और वो कंडीशन क्या है कि लेंथ आपके पास क्या हो जाए, इफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 meter, कंडक्टर की लेंथ 1 meter हो और एरिया आपके पास 1 meter square हो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कंडक्टर की लेंथ 1 meter, एरिया 1 meter square, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। क्लियर है इतनी बात, क्या बोल दिया उसने कि आपका जो नया वर्ड है उसकी डेफिनेशन कैसे होगी, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। तो इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी पढ़ रहे हो, भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो कोई भी क्वांटिटी पढ़ोगे तो याद रखना उसकी यूनिट नहीं भूलनी है। जहां यूनिट भूले, जहां इसको ये भूले कि डिनोट किससे करना है, वहां गड़बड़ी आ जाएगी। फिजिक्स पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आप साथ साथ अपना काम करेंगे, तो रिटन में काम करना नहीं भूलना है। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जस्ट यू हैव टू नोट डाउन, नोट डाउन करते जाएंगे समझ आता जाएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालते जाएंगे। बढ़िया बात है ना। तो आप क्या बोला, जो ये रेजिस्टिविटी है या जो ये रेजिस्टेंस है आपके पास, उसकी यूनिट क्या होती है, डिनोट करना तो सबने सीख लिया, याद हो जाएगा ना, रो ना, रो, रो क्या है आपके पास, रेजिस्टिविटी है। अब क्या देखा हमने, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम मीटर। अब आप कहोगे कहां से आया ये ओम मीटर, तो सबको बता, रेजिस्टेंस की यूनिट
ओम पता है सबको? बहुत बढ़िया। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट सबको पता है क्या होती है? मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल। रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर, याद रहेगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऐसे ओम मीटर। ठीक बात। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी आएगी और वो यूनिट आपके पास क्या आ गई? ओमेगा ओम मीटर। उसके बाद हम क्या कहते हैं इस रेजिस्टिविटी को? लाइक मेरे पास कोई कॉपर है या एल्यूमिनियम है, ठीक है, बात क्या आई कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। देखो पहले हमने पढ़ा रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो हमने पढ़ा लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और साथ ही साथ टेम्परेचर। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो रेजिस्टिविटी है, हमारी जो रेजिस्टिविटी है, ना तो वो डिपेंड करती है लेंथ पे, ना तो वो डिपेंड करती है लेंथ पे, ना ही वो डिपेंड करती है एरिया पे। आप एरिया को कम कर लो, ज्यादा कर लो, लेंथ को कम कर लो, ज्यादा कर लो, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। याद रखना है, बोर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर देगा, बोलेगा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है मेरे पास 1 मीटर, एरिया है मेरे पास 2 मीटर स्क्वायर, इसको भी 2 मीटर ले लीजिए। फिर क्या बोला, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं 4 मीटर, एरिया को भी इंक्रीज कर दूं 3 मीटर स्क्वायर तक, ठीक है, तब रेजिस्टेंस में क्या अफेक्ट होगा? होगा भाई रेजिस्टेंस पे अफेक्ट। बट उसी टाइम अगर आपको बोल दे कि रेजिस्टिविटी पे क्या अफेक्ट होगा, भाई नो, कुछ भी चेंज नहीं होगा किसी भी सब्सटेंस का। लाइक मैंने ले लिया कॉपर, ठीक है, क्या ले लिया मैंने? कॉपर। सबको पता है कॉपर की वायर्स होती है आपकी, तो अगर उस कॉपर की वायर से कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो डजंट डिपेंड, डिपेंड ही नहीं करेगा। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब रेजिस्टिविटी है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। जैसे कॉपर की बात की तो कॉपर के लिए सेम, एल्यूमिनियम की बात की एल्यूमिनियम के लिए सेम। मतलब किसी भी मटेरियल की बात करेंगे उसके लिए रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। बात क्लियर इतनी? बहुत बढ़िया। बात याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है। फिर आपको वो डिपेंड किस पे करती है ना भाई? क्वेश्चन तो सही बनता है। तो क्वेश्चन में आप क्या कहेंगे, सबसे पहली बात रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं भाई कॉपर का है तो रेजिस्टिविटी सेम, अगर वही हमारे पास एल्यूमिनियम या सिल्वर आ जाता है तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अगर आपका मटेरियल किसी और चीज का बना है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपके पास? डिफरेंट होती जाएगी। क्लियर है? अब इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि बेस्ट कंडक्टर कौन होगा। तो आपने ध्यान रखना है आपका जो बेस्ट कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा बहुत लो होगी। रेजिस्टिविटी अगर लो तो आपने क्या कह देना है कि वो कंडक्टर भी क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। ठीक बात। अगर रेजिस्टिविटी लो हो रही है तो कंडक्टर क्या हो जाएगा? बेस्ट। तो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं तो कौन है मेरा? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर अगर हम बोले वायर्स किस चीज की बनी होती है तो वो सिल्वर की बनी होती है। बट आपको कहोगे अगर हम घर में भी यूज कर ले वो इतना ही बेस्ट कंडक्टर है, घर में तो आप कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करते हो, तो इसका भी रीजन है क्योंकि सिल्वर इतना ज्यादा सस्ता तो है नहीं। अगर इतना ज्यादा सस्ता होता तो फिर सब लोग सिल्वर ही पहन लेते ना। तो क्या बोला, सिल्वर जो है वो इतना सस्ता नहीं है, दैट्स व्हाई हर जगह हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसका यूज हम कुछ एक जगह पे ही करते हैं। तो उससे जो अगर हम कहें थोड़ा सा कम तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आपकी एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम क्यों करते हैं? फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, फॉर अ गुड कंडक्टर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। लो रेजिस्टिविटी की वजह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। क्लियर है इतनी बात?
बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना आपने, क्योंकि ये वर्ड जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, दैट इज रजिस्टिविटी। लास्ट तक बच्चे बोलते रहते रजिस्टिविटी क्या है डाउट है, तो आप फटाफट से इसको बहुत बार एक बार देखोगे, नोट डाउन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अब आपने क्या कर देना है, सारी जितनी भी आपकी वीडियो है उसको लाइक कर देना है। अगर कोई भी डाउट है या आपको वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में आपने कमेंट कर देना है। और साथ ही साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया उसने शेयर कर देना। थैंक यू।